কিন্তু এগুলো খাইতে হইব, তাহলে দুজন লোক আইব সকালে টাইমটা জোর লাগা কে আইসা। দেখো পুদিনা কা পৌধা এক ইয়াহ পে, দেখো পুদিনা কিতনা বড়া বড়া হো রা হ্যায় আর হাম মেরে ঘর পে তো একদম হোতা হি নাহি হ্যায়, শায়দ ধূপ মিলতা হ্যায় ইনকো, আর কিয়া খুশবু হ্যায় এক পত্তে কা। ইয়াহ পে কাফি সারে জগা পে কোনে কোনে হ্যায় কাফি সারে, তাহলে লাগ রা না চাটনি বনা কে খা লু লাগি ছে। হ্যাঁ ওয়াহ পে হ্যায় আর কি নজারে খুবসুরত, আর ইয়ে ছোটা সূর্যমুখী দেখো। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল এন্ড গুড আফটারনুন, আফটারনুন না ইভিনিং, আর 4:30 বাজ রা হয়, কিতনা বাজ রা 5:30 বেজে গেল। কিসে কে ঘর পে হ্যায় সানফ্লাওয়ার বতানা তো, এটা ফুটে নাই নাকি ছোটা, এটা হবে, আরে ছোট বড়া মাগো হবে, এটা হবে স্পাইডার রয়েছে, আরে বাহ মেরে সে ছোটা হ্যায়। ये देखो इसको मैं बोल सकती हूँ तू मेरे से हाइट में छोटा है, क्योंकि मेरा हाइट 5'4" है ना, तो मेरा मम्मी तो बहुत चिढ़ाती है तेरा हाइट लंबा नहीं हुआ लंबा नहीं हुआ। अभी मम्मी को भी मैं बोल सकती हूँ मम्मी इससे ये मुझसे छोटी है, तो हुआ ना छोटी तो है, मैं दिखने में सुंदर लग रहा है। वाह वाह वेलकम 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 खोबा चांद कौन ली थी बाथरूम में, 2-3 उसका नहाना हो रहा है, बैठे ही रह रही है। मैं बोल मैं काम कर रही थी, मेरा जो वीडियो है उसका थोड़ा बहुत वो देखिए, मैं बोला सूटी गए गए तो उसके बाद देखा बाथरूम में घुसी हुई है। मैं वो शांतनु को बोल रहा हूँ तुम्हारे बेटी को ना एक प्लास्टिक का गमला खरीद के दो, बाथटब तो मेरे घर पर नहीं हो सकता, बाथटब टाइप का होता है ना छोटे बच्चों का प्लास्टिक का, वैसे मैं खरीद के दूंगी तुझे। সুইটি ঘোড়ে চড়না ঘোড়ে ঘোড়ে কে দেখো সারে নাম হ্যাঁ কে, সুইটি পাহাড় পে চড়না হ্যাঁ বাই সুইটি, চল আমি পুরা চক্কর লাগায়েগা। আ গিয়া ঘোড়ে ওয়ালা, হ্যালো সুইটি ঘোড়া চালাও টকবক টকবক টকবক, সুইটি এনজয় কিয়া হ্যাঁ চলা জোর সে মজা আ গই, ঝাঁসি কি রানী মজা আ গই, চলো ঝাঁসি কি রানী। শান্তনু কা হালত দেখো, শান্তনু নে জ্যাকেট দো জ্যাকেট লায়া ও ভি রুম পে ছোড় কে আ গে, আমি মেরা জ্যাকেট পহন রা হ্যায় কিয়া শান্তনু, হ্যাঁ দেখি কেমন লাগছে, मैंने दोनों ट्राई किया कौन सा अच्छा लगे, कोई भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करें अभी टेम्पररी अभी होटल काफी दूर है। और अभी हम लोग महाबलेश्वर का जो मार्केट है वहाँ पर आया है, ये मार्केट का सबसे खासियत चीज लगता है मुझे, ये मार्केट के अंदर कोई भी गाड़ी अलाउ नहीं है, यहाँ के चप्पल बहुत सारे चप्पल का दुकान है, मैंने कभी नहीं खरीदा लेकिन दिखने में अच्छा लगता है और बेडशीट वगैरह बहुत अच्छा मिलता है, क्यूट सा देखो चप्पल का डिजाइन देखो, हमारे ट्रेडिशनल डिजाइन है, आग सेक रही हूँ ठंडी लग रही है, अभी ठंडी चालू हो गई है। ये चाचा जी कब से है, मैं जब महाबलेश्वर से आ रही तब से ये चाचा जी यहीं पे मार्केट के सामने ही बैठते हैं, अब इनके पास तो जरूर खाते हैं, बहुत धंधा करता था मैं, अभी पावर घट गया इसके लिए बंद किया, कहाँ घट गया आपका पावर भी है, जूस लस्सी। और यहाँ पे चना गर्मा गर्म फ्राई करके देते हैं इस तरह से सैंड के ऊपर, इतनी बड़ी जगह पे फ्राई किया जाता है, मसाले वाला चना सादा चना जैसे चाट मसाला पुदीना सेजवाइन काफ़ी सारे फ्लेवर में मिलता है, काफ़ी सारे शॉप है, मार्केट बहुत अच्छा है, सिंपल सा एक मार्केट, और यहाँ पे लोहे का सामान भी बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, ये और ये सेम है ना। मार्केट के एंड पे भवानी का मंदिर है, अभी ना रूम पे आके लग रहा है हाँ हम कंफर्टेबल जगह पे आए हैं, अरे बाबा आज तो ठंडा था, तेरा फेरा तो हो गई आराम से चढ़ गए, शांतनु जैकेट पहले उतार दिया था उसके बाद फिर से जैकेट पहन दिया, हाँ चलो नहीं चिक्की खाएंगे चिक्की, चिक्की खाना है, अरे महाबलेश्वर में आए हो तो नटराज चिक्की जरूर खाना, ये खाओगे ना ऐसे कहा जाएगा वो फूड ब्लॉगिंग होता है ना, हाँ ईटिंग विद साउंड वैसा वाला ब्लॉगिंग होता है, वैसा वाला शांतनु ऐसा हो जाएगा, मतलब पीछे से कर रहे हैं, इसका चिक्की बहुत आसान था, वो आसान एक खुशबू आता है कुछ
टोपी पहन के देखो अच्छा लग रहा है ना। अब मुझे टोपी पहनना मिलता ही नहीं है क्योंकि बॉम्बे पे ठंडी पड़ती नहीं है और टोपी मुझे टोपी पहनने का बहुत शौक है। यहाँ पे गोल वाला होता है ना वो वाला टोपी भी, लेकिन मौका ऐसा नहीं मिलता। और देखो स्वीटी क्या कर रही है, देखो पैर सेक रही है। Set my world on fire. You're my heart's desire. I just want to know. You took your hand? Did you see the video? Did you leave it? सुबह से चार बार ये फोर्थ टाइम सुना रहे हैं मुझे, मतलब ना ताने मार रहे हैं ऐसे ही ताने। लास्ट टाइम में ऐसा मतलब घुमाया था चार बार हो चुका है ये चौथा टाइम चल रहा है सुबह से। बोले अंगूठे अंगूठे ले लिया ना, मतलब सेम वर्ड सुनने में अच्छा लगेगा क्या? अरे भूल गया तो मतलब सोचो थिंक। एक बार गलती हो सकता है लाइफ में क्या हर बार मैं गलती करूँ क्या? ऐसा होता है क्या? मतलब फिर भी ताने मार ही रहे सुबह से स्वीटी भी उसका था। तुमने मोबाइल छोड़ के आया था बस, ये तो मोबाइल ताने तो गया था। सेम चीज हुआ ना, अब सामान अलग अलग हो सकता है लेकिन सामान तो छोटा था। उसके साथ स्वीटी भी काम नहीं जाती, ये तो मतलब उसके साथ ना एक साथ दोनों में मतलब हाँ जुगलबंदी होके मुझसे मेरे पीछे लगी हुई है। ये चौथा टाइम इसके बाद बोलोगे ना ताना मारा ना तुम्हारा। देखो खैर कल से मुझे खाना नहीं मिलेगा रियली मैम, टिफिन खाओ ना कितने दिन कैंटीन में खा पाओगे? मैं तो टिफिन देना ही नहीं बोले रियली। जोमेटो से ऑर्डर कर लो। हाँ करो, देखो देखते हो कितना महीना टिकते हो तुम जोमेटो के भरोसे। खुद बना लूंगा। हाँ बताओ ना, सुबह सुबह उठ के टिफिन बना के जल्दी उठ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, 7 दिन करके दिखाओ। 7 दिन का चैलेंज देते ऐसे बोल रहे नहीं, इसके साथ चैलेंज इसके साथ कुछ भी चैलेंज लेना बेकार की बात है। मैं देव नहीं, उसके साथ चैलेंज आया लेकिन इसके बाद बोलोगे नहीं, तुम बोलोगे नहीं इसके बाद, लेकिन तुम फिर घुमाओगे नहीं कुछ भी सामान। मैं घुमा ही नहीं, आज कहा घुमा है आज बोल दिया इतना बनना इसमें। देख रहा था स्वीटी, स्वीटी थोड़ा सा देखेगी उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी। बाय बाय फिर से महाबलेश्वर को घर चले। लास्ट वीडियो देखा ना, इंटरेस्टिंग वीडियो था लास्ट वीडियो महाबलेश्वर का, मतलब हमारे एनिवर्सरी वीडियो। अगर नहीं देखा तो जरूर चेक करना। अभी दोनों पूरा आप लोग करते हो होटल में जाके आने के टाइम या हस्बैंड करते हैं पूरा ये उठा के देखना है कहीं कुछ छूटने तो नहीं गया। दो बार चेक कर चुके हैं और भी फिर भी चल रहे। शांतनु का हाथ का देखो, हाथ में क्या है दिखा? अरे इसमें है दो केले चिक्की और फज भी है। फज है वही सा। देखो ये हमारे मतलब देसी बास्केट कितना सुंदर होता है। देसी मतलब बचपन से हमने ये तो बास्केट विदेशी स्टाइल। महाबलेश्वर का सबसे फेवरेट जगह ये जगह मुझे किड्स पॉइंट। बंदर का देखो 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 साइज देखो उसका। ओह माय गॉड सेल्फी का नशा, बंदर को नशा देखो सेल्फी का। बंदर का ग्रूम्ड हो गया, बंदर भी मतलब सेल्फी दे दे के वो एक्सपर्ट हो गया, वो भी एक्सपर्ट हो गया सेल्फी देने में। वो पोस्ट दे दे के अपना सेल्फी दे रहा है। स्वीटी को उठाने की कोशिश चल रहा है, जो लगा के है उठा दिया। तो इस बंदर को देखो कुछ जा कुछ जा निकालने के लिए उधर चाहिए। देखो ये जो नजारा है ना ये इतनी सुंदर लगता है, कैमरे में उतना जस्टिस नहीं होता है। अगर कृष्णा रिवर, हाँ कृष्णा रिवर है और ये लगता है किसी ने पेंट किया। अगर अच्छी तरह से देखोगे लगेगा। आज अभी एक्चुअली दोपहर हो चुका है ना तो सुबह में अच्छा लगता है और भी ब्लू बेटर है। तो ये किड्स पॉइंट और भी पॉइंट है उधर भी है जहाँ ये जगह ना हाथी के ऊपर के जो बैठने की जगह है ना वो लगता है वो पॉइंट। तो पूरा फेस पूरा हाथी के जैसा एकदम निडल पॉइंट बोलते हैं इसको। और अगर पूरा डिटेल्स देखना है तो मेरा लास्ट 2 साल का एनिवर्सरी का वीडियो चेक करो। छोटा छोटा
ये देखो ये वाला मूली भी बहुत टेस्टी होता है, यहाँ का लोकल प्रोड्यूस है। और ये छोटा छोटा वाला बेबी कैरेट, काका कैसे हो? पिछले बार नहीं थे आप? नहीं था पिछले बार। और कैसे हो? पिछले बार पहचाना कि नहीं? पहचाना कि नहीं? पुदीना शरबत हाँ, पुदीना याद देखो, काका का सब याद है। पिछले बार वो कुछ संकष्ट थे इसलिए नहीं आए थे, पूछा मैंने, बोले नहीं आज काका नहीं। ये है हमारा फेवरेट काका, जंगली भैंस। वहाँ पे काका का एक बगीचा था, इस साल नहीं लगाया। नीचे में इधर में जंगली भैंस पुदीना भी खाता है। कागज खाता है, टेस्टी खाता है। अरे बाबा, हाँ तो वो फल नहीं मिलता है पेड़ में से। ये है फेमस छास, बिना खाद का ना? हाँ, एकदम केमिकल एकदम। देखो देखो काका को भी ऑर्गेनिक मालूम है, केमिकल नहीं डालते है। इसमें भी गांठी है। हाँ, आप लोग भी देख लो, सीख लो। हाँ, ये तो मसाला है, ये तो सॉल्ट, ये मसाला, ये है काका का मैजिक मसाला। जादू हो जाता है इससे, हाथ में जादू है ना? हाथ में जादू है। आज इधर है मालूम है, सिर्फ आपके यहाँ पे आने के लिए। घर जा रही हूँ। हाँ, सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए। क्योंकि काका को हमें याद है, इतने सालों से आ रहे हैं, एक बार एक अटैचमेंट बन जाता है। ऐसे ही होता है ना हमारे क्या हमारे तरफ से वो पियेंगे पहले भेलपुरी खाएंगे। हाँ जी ठीक है, तुम्हारे सब घर में ठीक है? सब सब ठीक है। ठीक है ना, क्या है? ये मीठा पानी है, खट्टा मीठा पानी। कोको का पानी है, कोको पानी है, इमली का पानी है। अच्छा, सब मिक्स करके फीका कम बना है? मीडियम मीडियम देखो। अच्छा कोको पानी, कोको है, इमली, इमली दोनों 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 मिक्स है। कोको में इमली का पानी दिया है, वही सोचते हैं अलग क्यों लगता है? क्या अलग लगता है? थोड़ा अलग लगता है। काका ने हमें 3 ग्लास अलग से खिलाया पिलाया, तो क्या बोले काका ने? बोलो क्या बोले? क्या बोला? आज पैसा हर इंसान कमाता है, लेकिन जाने के समय पैसा नहीं, पैसा पैसा है, प्रेम पैसा है। मतलब पैसा लेके नहीं जाएंगे ऊपर, लेकिन वो जो प्यार रह जाएगा वो रह जाएगा। क्योंकि हम इधर आए हैं काका के लिए, पिछले बार नहीं मिले थे। ये देखो बेर, इसको कहते हैं बेर, छोटा छोटा कच्ची कैरी, कच्ची कैरी। और ये है सारे मसाले भेलपुरी का। फिर देखो ये नीचे जाके एल्फिस्टन पॉइंट है, और उसके जस्ट सामने ये चाचा बैठते है। ये वाला मिलेगा चाचा? सांतनो बना रहे चाचा आ रहे। यहाँ पे मिलेगा? हाँ, अबे कुछ साल बाद तुम यहाँ पे आके बैठोगे। चाचा के साथ में क्या बोलते हैं? चाचा का हेल्पर, चाचा का हेल्पर। चाचा के पास छाछ जरूर खाए। हाँ जरूर पीना, ये पॉइंट के पास में ही है। Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Strawberry ka kheti. Kaku means auntie ko bolte. Kaku dekho wahan pe. Strawberry utha rahe. Kitni sari lala strawberry. ये स्ट्रॉबेरी में पॉलीथिन दिया रहता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी मिट्टी के साथ टच हो जाएगा वो खराब हो जाएगा, इसीलिए इस तरह से ही वो फार्मिंग होता है। ये देखो, ओ माय गॉड, फ्रेश फ्रेश स्ट्रॉबेरी। ये धोने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ वाले समय पॉल्यूशन नहीं है। गर्म हो गया बेचारा धूप में। ब्रोकली का झाड़, अच्छा छोटा छोटा हुआ, छोटा छोटा। अरे ब्रोकली है। टमाटर देखो, हम लोग सब्जी खरीद रहे मतलब झाड़ से, झाड़ को पूछ रहा है तुम सब्जी बेच रहे हो? वो जो है ना वो बोला यहाँ पे देख लो, आपको पसंद आया तो ले लेना। ये देखो मम्मी पापा क्या कर रहे हैं खेती में, टमाटर खेती का, खेती बाड़ी अभी सोच रहे हैं ना, खेती बाड़ी करेंगे। मुझे शौक है, मेरा लाइफ का एक शौक है, खेती सारे टमाटर। सोचो बड़ो बचता टमाटर रहते की पूरी। चलो गाजर, देखो गाजर उठा रहे। ओहो गाजर, तो काकू गाजर उठा रहे। ये है गाजर पेड़ के साथ, पता कैसे चल रहा है कौन सा में है? अच्छा उंगली डाल के बड़ा है वो, बड़ा से निकलती है ना। अच्छा उंगली डाल के पता चल रहा है, देखो
ये देखो वो सीढ़ी तुला दे। लेटुस का पौधा अभी लेटुस खाने लायक नहीं है, अब कितना बड़ा हो गया देखो ये सारे लेटुस। टमाटर ले लो, टमाटर ले लो। खेत से बहुत मजदूरी करके आया बाबा, इतना बहुत मजदूरी किया खेत में, बहुत मजदूरी किया, इतना इतना सब्जी उगाया। अरे बाप फार्मर, अरे बाप रे, हमारे देसी फार्मर को देखो देखो मतलब कितना झूठ के झूठ बोल रहे। अरे बाप कितना कष्ट किया ना स्वीटी, देखते बास्केट देखे देखने में सुंदर लग रहा है। ये फ्रेश ब्रोकली खूब चांगले है ना, खूब चांगले बस। थैंक यू काकू। कितना ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब इतने उम्र में, मैं सोच रही हूँ मेरा क्या, इतना उम्र में मेरा क्या हाल होगा। अरे ताई ये सारे सब्जियां बोले, गाजर जो छोटा वाला गाजर है ना, वो अगर रोज सुबह सुबह जूस बना के खाओगे तो कैंसर नहीं होगा। मतलब सारे सब्जियां ऑर्गेनिक है, इनको ऑर्गेनिक के बारे में पता है। कर रहे हैं कि आप लोग केमिकल वाला खाना मत खाओ। हाँ खुद बोल रहे हैं ताई को। इनको भी आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मालूम है, क्योंकि ताई को मैंने पूछा आपको कैसे पता, बोले हम लोग खाते हैं ना रोज देखो, और इनका ये सारा फार्मिंग ऑर्गेनिक है। और ये जो मैप्रो है ना, मैप्रो के जस्ट पीछे ही है, एकदम पीछे ही, तो साइड से वो पार्किंग है, साइड से नीचे आ सकते हो सब्जी उठा के, उस टाइम में जो सब्जी अवेलेबल है आप उठा के इनको दे दो। हाँ बोले जनवरी जनवरी अच्छा होता है ना, जनवरी दिसंबर जनवरी में आपको सब सब्जी मिलेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। पंचगनी पे मालास के ऑपोजिट में इस टाइप का मिट्टी का बर्तन मिलता है, मिट्टी का सामान, पानी रखने के लिए ग्रोसरी टाइप का चीज़ें, हल्दी यहाँ में फेमस है हल्दी के लिए, और सारे ऑर्गेनिक है, और चावल वगैरह जैसे इंद्रायणी चावल, मसाले, गरम मसाले और इस टाइप का हंडी, मिट्टी का सामान बहुत सुंदर सुंदर है। धूम डैम वहाँ पर दबंग का शूटिंग हुआ था, चेन्नई एक्सप्रेस, वो जो जगह दिख रहा है ना कॉर्नर पे, स्वदेश, ये नदी है कृष्णा रिवर, इसके ऊपर ही मैक्सिमम शूटिंग वो जो कॉर्नर है वहाँ पे होता है। ये पारसी पॉइंट है, ये टेबल लैंड है, ये जो मंदिर है ना यहाँ पे लास्ट टाइम गई थी, और ये है शूटिंग एरिया, ये स्पेशली ये कॉर्नर लास्ट टाइम का वीडियो चेक करो, बहुत खूबसूरत जगह है ये, वाई का एरिया है पूरा। पारसी पॉइंट पे अभी शाम को आए ना तो पूरा नदी जो है वो दिख नहीं रहा है, ब्लू ब्लू जो इफेक्ट। अभी शाम हो चुके 6 बज गए, अभी सीधा घर पे मिलते हैं। आते आते पंचगनी में जात्रा मीन्स स्मॉल मेला टाइप का यहाँ पे होता है, इसी टाइम पे होता है, हर साल होता है, 4-5 दिन का एक फेस्टिवल टाइप का, रास्ते के साइड में इस टाइप का छोटे छोटे शॉप बैठता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ओल्ड मेमोरी। और अभी दोपहर में मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं आके और शूट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आने के बाद इतना थकान हो गया था। और अभी लंच भी मैंने खिचड़ी बनाया, आज खिचड़ी चढ़ाया है, जैसा वो सब्जी वब्जी डाल के, मटर सब्जी गाजर डाल के वो सब खिचड़ी बनाने के लिए दिया है प्रेशर कुकर में, आज सबसे जल्दी वाला खाना बनाऊंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, लाइक करना भूलना मत, ये वीडियो का अनकट जरूर देखना, ये वीडियो का अनकट ना मेरा पर्सनल थोड़ा सा वीडियो का शूट है वो शेयर कर रही हूँ, कि नॉर्मली हमारे कुछ पर्सनल मोमेंट होता है ना जो वीडियो पे मैं शेयर नहीं करती हूँ, वो मेरी बोलते ना मैं बूढ़ा जब होंगी, बुढ़ापे जब आ जाएगा तब के लिए मैं रख देती हूँ। थोड़ा सा अनकट कैसा लगा बताना जरूर, क्योंकि मैं ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा सा ही कर पाऊंगी। और हाँ आप सबको तो दिखाना भूली गई, मुझे एनिवर्सरी में क्या गिफ्ट मिला, इस साल का एनिवर्सरी का गिफ्ट मेरा वन ऑफ द एकदम ही अलग गिफ्ट है, क्योंकि ये मुझे ख्वाहिश था एक बार, ये बिछुआ, इसको बिछुआ तो चुटकी को वो टोरिंग को बोलते शायद, ये आपको दिख रहा है इस टाइप का ऐसा वाला, यहाँ पे एक डिज़ाइन है, मुझे ये डिज़ाइन बहुत अलग लगा था, लेकिन हाँ मैंने जाके खरीदा था उसके साथ, तो ये एनिवर्सरी के लिए रख दिया था, इस तरह से है, कुछ स्टोन टाइप का है। और एक चीज़, हाँ यहाँ पे ये जो है ना ये रिंग, ये भी सिल्वर का ही है, ये जैसा नॉर्मल सिल्वर के ऊपर मीनाकारी, तो मुझे सिल्वर ज्वेलरी का स्पेशली बहुत शौक है, तो नेक्स्ट टाइम ना मोटा वाला लूंगी, झुम 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 करके आवाज आएगी। पता है मुझे तो किचन का, आपने बास्केट देखा है जो फ्रूट बास्केट, वो भी मुझे एनिवर्सरी या बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, लगता है कुछ घर का काम के लिए हो जाए या मेरा कुछ काम के लिए हो जाए इस तरह से। तो मेरा ये गिफ्ट कैसा लगा बताना जरूर, कुछ अनोखा गिफ्ट है, आप लोगों का एनिवर्सरी में किस तरह सा गिफ्ट मिलता है, क्या मिलता है बताना जरूर। तभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड। इवन इफ यू ट्राई यू पायले चुनमन चुनमन झांझरे रंजन रंजन कितना मधुर है ये मिलन।
Cinematic shots. দেখুন আপনার সবাই কত সুন্দর জিনিসটা, কি সুন্দর, ভালোভাবে লক্ষ্য করুন, এটাও পড়াইয়া দি আমার বউ জানটাকে। বন্ধ কর হইয়া গেল, মারাচ্ছে ভাঙ খেয়েছে, আর সকাল থেকে খেতে গেছে, সকালে ছিল মনে হয়, সকালের অরিজিনালটা তো তুলেই নি, ওটা তো আমি সুটি পেটে ব্যথা হয়ে গেছে। কিছু করছে দেখি, ত্রিফলা, ত্রিফলা দরকার, ত্রিফলা আজকে ত্রিফলা খাইতে হইব, তাহলে দুজন লোক রাইব সকালে, এটা জোর লাগা কে হাইসা, wouldn't understand it.